कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर भी जाएंगे। इससे पहले शनिवार को राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। मैं 2800 किलोमीटर पैदल चला हूँ, मुझे कहीं नफरत नहीं दिखी। आज देश का युवा बेरोजगार है, अगर इस देश में युवाओं को कोई रोजगार दे सकता है तो देश के किसान और छोटे व्यापारी हैं, लेकिन इनके लिए देश की बैंकों के दरवाजे बंद रहते हैं। किसानों का, मजदूरों का, आज में आपके एयरपोर्ट, आपके पोर्ट, आपकी सड़कें किसके जेब में? इनके मालिक के जेब में। इनको कौन चलाते हैं, नाम बताओ। देखो सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भाइयों और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीजेपी पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े हैं, उसमें गले लगाने की बात होती है। ये लोग डर फैला रहे हैं, डर किसानों के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे कारोबारियों के दिल में, माताओं के दिल में। ये लोग 24 घंटे देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जैसा हिंदुस्तान है वैसी ही ये यात्रा है, कभी भी कोई गिरा तो उसे एक सेकंड में लोग उठा लेते थे, यही है हिंदुस्तान। अब ये लोग देश में डर फैला रहे हैं, नफरत नहीं दिखी मगर डर दिखा। किसके दिल में डर? किसान के दिल में, युवाओं के दिल में, छोटे दुकानदारों के दिल में, स्मॉल और मीडियम बिजनेस जो चलाते हैं उनके दिल में, माताओं बहनों के दिल में। हिंदू धर्म कहता है डरो मत, और ये लोग 24 घंटा इस देश में डर फैलाने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कमल हासन के शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस यात्रा में कमल हासन का शामिल होना कोई संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया कि इसकी शुरुआत जॉर्ज पोनिया से हुई, जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। इसके बाद रिजिल माकुट्टे, टुकड़े लॉबी, मेधा पाटकर और अब कमल हासन, जिन्होंने कश्मीर में जनमत संग्रह की मांग की थी और हिंदुओं को गाली दी थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जानकारी देते हुए योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि राष्ट्र सेवा में सतत समर्पित आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी से नई दिल्ली से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में जिला कोर्ट ने शनिवार को बड़ा आदेश दिया। यहां भी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की तरह मस्जिद का सर्वे होगा। सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने हिंदू सेना की याचिका पर यह आदेश दिया। रिपोर्ट 20 जनवरी को कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे 2 जनवरी से होगा। हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मंदिर होने के प्रतीक के साथ मस्जिद के नीचे भगवान का गर्भगृह है। पक्षकार मनीष यादव और वकील महेंद्र प्रताप ने कहा कि शाही ईदगाह में हिंदू स्थापित कला के सबूत मौजूद है, ये वैज्ञानिक सर्वे के बाद सामने आ जाएंगे। अर्जी मथुरा के जिला अदालत में 1 साल पहले दाखिल की गई थी। राजस्थान में शनिवार को सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते परीक्षा रद्द करनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक 24 दिसंबर को राजस्थान में सेकेंड ग्रेड अध्यापकों की भर्ती के लिए परीक्षा होनी थी। परीक्षा शुरू होने से पहले ही इसका पेपर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने आनन फानन में शुरू होने से ठीक पहले परीक्षा को रद्द कर दिया। सूबे के अलग अलग शहरों में परीक्षार्थी दूर दराज से परीक्षा के लिए पहुंचे थे। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों ने सेंटर्स पर जमकर हंगामा किया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा मीरपुर टेस्ट रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है। भारत को जीत के लिए अभी 100 रनों की जरूरत है, जबकि टीम के 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इससे पहले बांग्लादेश की दूसरी पारी 231 रनों पर सिमट गई थी। बांग्लादेश के लिए दूसरी पारी में लिटन दास ने 73 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर भारत को 87 रनों की बढ़त मिली थी। ऐसे में उसे जीत के लिए 145 रनों का टारगेट मिला है। देश में कोरोना के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट पर है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों को पत्र भेजा है, जिसमें लिखा है कि देश में कोरोना की रफ्तार धीमी है, लेकिन हमें आने वाली चुनौती के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि ध्यान रखें कि ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी ना आए, साथ ही वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सप्लाई की मशीनें दुरुस्त रखी जाएं।
देश में आज कोविड का केस बढ़ा है और देश में कोविड महामारी न फैले उसके लिए हम अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। हमने एयर सर्वेलेंस भी चालू किया है, सुएज सर्वेलेंस भी चालू किया है और ह्यूमन सर्वेलेंस तो हो ही रहा है। दुनिया के कुछ देशों में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि चीन, जापान, हांगकांग, बैंकॉक और दक्षिण कोरिया से भारत आने वाले लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि इसको लेकर जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा। मांडविया ने कहा कि जिन यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाएगी या फिर जिनमें बुखार जैसे लक्षण मिलेंगे उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा। हरियाणा के रोहतक में रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे दो युवकों का शव पटरी पर मिला है। दोनों के शवों के पास से कोई पहचान पत्र नहीं मिला। पुलिस ने मामले में हत्या की आशंका जताई है क्योंकि दोनों के चेहरे ट्रेन गुजरने के कारण बुरी तरह से खराब हो चुके हैं जिसकी पहचान नहीं हो सकी। बाद में पुलिस की जांच के बाद दोनों मृतकों की पहचान हो गई है। दोनों सगे भाई हैं जिनकी उम्र 38 साल और 35 साल है, जो रोहतक में बस चलाने का काम करते थे। पुलिस को मौके पर गाड़ी के टायर के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के सोनीपत में आबकारी विभाग की सख्ती के बाद एक शराब कारोबारी जयकिशन से 28 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले गए। पंचायती चुनाव के दौरान शराब कारोबारी ने करीब 6 लाख शराब की पेटियां बिना आबकारी शुल्क जमा कराए बेच डाली थी। मामला अधिकारियों के संज्ञान में आने पर तत्कालीन आयुक्त, उपायुक्त और इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया। अब इस मामले में शराब कारोबारी से जुर्माना राशि और आबकारी शुल्क वसूल लिया गया है। इसकी पुष्टि सोनीपत के आबकारी आयुक्त नील रतन झा ने की। आबकारी आयुक्त ने कहा कि अभी तक ठेकेदार से विभाग ने 66 करोड़ रुपए भी रेवेन्यू के तौर पर इकट्ठा किए हैं। लखीमपुर खीरी में एक युवक ने अपनी पत्नी को करंट लगाकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने मृतका को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी की थी। इतना ही नहीं, आरोपी ने उसका हिंदू नाम बदलकर फातिमा रख दिया था। पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। फिर आरोपी ने दोनों मासूम बच्चों के सामने ही पत्नी को बिजली का करंट लगाकर मार दिया। उसके बाद शव को घर में बने एक कमरे में ही गड्ढा खोदकर दफना दिया। किसी को शक न हो इसलिए आरोपी ने अपनी माँ को फोन कर बताया कि उसकी पत्नी से मारपीट हुई है, जिससे पत्नी गुस्सा होकर कहीं चली गई है। लेकिन बाद में आरोपी ने माँ के सामने हत्या कबूल कर ली। आरोपी की माँ ने इस हत्या की कहानी सुनकर बेटे को पुलिस के हाथों सौंप दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जहां एक इलेक्ट्रिशियन घर में काम करने आया था, उसी वक्त बच्चे को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। आरोपी इलेक्ट्रिशियन ने 9 साल के बच्चे को डराया धमकाया फिर वहां से फरार हो गया। पीड़ित बच्चे ने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई, जिस पर तुरंत थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी इलेक्ट्रिशियन को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बागेश्वर में सर्दियों का मौसम शुरू होते ही प्रवासी परिंदों का पहाड़ों की ओर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सरयू तट पर और बैजनाथ झील में इन दिनों प्रवासी पक्षी जलकाक के सैकड़ों झुंड आकर रह रहे हैं। सुबह के समय प्रवासी पक्षी नदी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ते हैं, तो कभी नदी के समानांतर उड़ान भरते देखे जा रहे हैं। प्रवासी पक्षी आमतौर पर पहाड़ों में नवंबर से आते हैं और मार्च तक रुकते हैं। वहीं सर्दी के मौसम ने दस्तक दे दी है और रात का पारा 3 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। मौसम का मिजाज बदला है तो विदेशी मेहमानों की एंट्री भी शुरू हो गई है। बैजनाथ झील की खूबसूरती हजारों किलोमीटर दूर से उड़कर विदेशी मेहमानों ने बढ़ा दी है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाले हिल स्टेशन माउंट आबू में जमा देने वाली सर्दी ने दस्तक दे दी है। सर्दी की यह सौगात उत्तर की हवाएं अपने साथ लेकर आई है। दो दिनों से यहां का न्यूनतम तापमान लगातार 0 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। सुबह तापमान ने गोता लगाया और -1 तक पहुंच गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान की तुलना में 2 डिग्री की गिरावट देखी गई। तापमान की इस गिरावट के चलते वाहनों पर पड़ी ओस की बूंदें जमकर बर्फ बन गई। शीतलहर के सर्द एहसास ने लोगों को ठिठुरा कर रख दिया है। ऐसे में सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव की तपिश का सहारा लेकर राहत पाते दिखाई दे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली में इन दिनों पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ गई है। क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए पर्यटक काफी संख्या में मनाली पहुंच रहे हैं। हर रोज बाहरी राज्यों से 1000 से अधिक पर्यटक वाहन मनाली पहुंच रहे हैं। वहीं मनाली में होटलों के 90% से अधिक कमरे पैक चल रहे हैं। क्रिसमस और नए साल के जश्न के चलते होटलों में ऑक्यूपेंसी 80 से 90 फीसदी पहुंची है। पुलिस जवान भीड़ को देखते हुए अटल टनल से मनाली तक चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं।
शहरी क्षेत्र के अलावा पर्यटक ग्रामीण क्षेत्रों में बने होम स्टे का भी रुख कर रहे हैं। ऐसे में यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। रिजर्व बटालियन के 100 जवान भी मनाली पहुंचेंगे। इंदौर में इंजीनियर बना साइकिल चाय वाला। इंजीनियर अजय खन्ना ने साइकिल पर चाय बेचने का नया ट्रेंड शुरू किया है। दरअसल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर की पढ़ाई की तैयारी करने के साथ साथ अजय खन्ना ने खुद का चाय का काम शुरू किया। कम लागत में बिजनेस शुरू कर आज खुद का बिजनेस कर रहे हैं और 4 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। चाय वालों की लिस्ट में एक और चाय वाला हुआ शामिल।